ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो और आपकी फैमिली भी सब अच्छी होगी और स्वस्थ होंगे। हम लोग चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज करेंगे फिजिकल नॉर्थ अमेरिका, यानी कि फिजिकल नॉर्थ अमेरिका की हम लोग मैपिंग करेंगे। उससे पहले मैंने आपको इंडस्ट्री एरिया जो है हमारा यूएसए का इंडस्ट्री एरिया वो कंप्लीट करा दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का मैंने ये मैप बना दिया है ऑलरेडी, पहले से ये मैप बना दिया है मैंने नॉर्थ अमेरिका का। ये मैप में आपको ये रेड लाइन से पश्चिमीय तटवर्तीय क्षेत्र लिखा, उसके बाद में हम लिखते हैं पश्चिमीय तटवर्तीय क्षेत्र, उसके बाद में हम लिखते हैं पश्चिमीय कॉर्डिलोर। पश्चिमीय गार्डियन हमारा थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा आएगा, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें अंत है हमारा, अंत है पर्वतीय क्षेत्र हमारा, ये अंत है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में हमारा क्या आएगा, अंत है पर्वतीय क्षेत्र। हमारा फोर्थ क्या पॉइंट आ जाएगा, हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये भी हमारी ये रॉकी, अभी आपको सब पता पड़ेगा कौन कहाँ पे है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें क्या आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा मध्यवर्तीय मैदान। मध्यवर्तीय मैदान हमारा इसमें सिक्स पॉइंट क्या आएगा, सिक्स पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, कैनेडियन शील्ड। ये भी हमारी ये कैनेडियन शील्ड जो कैनेडा की तरफ है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, कैनेडियन शील्ड। इसमें हमारा ये डिवाइड हो रहा है कैनेडियन शील्ड में हो रहा है। और हमारा सेवन एप्लेशियंस पर्वत श्रृंखला क्या आ जाएगा, हमारा एप्लेशियंस पर्वत श्रृंखला। और हमारा पूर्वीय तटवर्तीय क्षेत्र, एट हमारा क्या आ जाएगा, पूर्वीय तटवर्तीय क्षेत्र। पूर्वीय तटवर्तीय क्षेत्र एक बार फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा ताकि साथ के साथ आप लोग अच्छे से याद कर लो। और फिजिकल ज्योग्राफी में नॉर्थ की जो फिजिकल नॉर्थ अमेरिका की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, अच्छे से नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, और ये क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिमीय तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिमीय तटवर्तीय क्षेत्र पहला अमेरिका का डिविडेशन है पश्चिमीय तटवर्तीय क्षेत्र, दूसरा पश्चिमीय कॉर्डियन, पश्चिमीय गार्डियन इसके बाद में क्या आएगा, पश्चिमीय गार्डियन इसके बाद में अंत है पर्वतीय क्षेत्र, अंत है पर्वतीय क्षेत्र, ये रहा अंत है पर्वतीय क्षेत्र। फिर रॉकी पर्वत श्रृंखला, फिर हमारा मध्यवर्तीय मैदान आ जाएगा, फिर कैनेडियन शील्ड आ जाएगी, फिर एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला और पूर्वीय तटवर्तीय क्षेत्र। इतने पार्ट्स में हमारा क्या है, इतने पार्ट्स में क्या डिवाइड हो रहा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, हम फिजिकल कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का, तो फिजिकल में इतने पार्ट्स में हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका डिवाइड हो रहा है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसे अरेंज करूंगी और इसको पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिमी गार्डन, अंत पर्वतीय क्षेत्र, इन सब में मैं अभी आगे की वीडियो में आप बने रहिएगा, इन सबको यानी कि पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी, यानी कि क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पश्चिमी गार्डियन में क्या क्या है, पर्वत श्रृंखला है, प्लेटू है, वो बताने वाली हूँ। अंतर पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, कैसे है, वो सब मैं
जो मैं बता रही हूँ आपको एकदम से बिल्कुल प्रॉपर डीपली जाके नॉलेज दे रही हूँ जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इसे बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत अच्छे से इनको नोट डाउन करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा साथ के साथ। यहाँ से क्वेश्चन 100% उतारते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और अब इसे इरेज कर देते हैं और अब जो मैंने ये आपको लिखा रखे हैं आपको दिख रहा है फर्स्ट ए टू बी टू ए थ्री ए, तो ये मैंने इसको मैप को डिवाइड कर दिया है। तो इनको साथ के साथ मैं लिखूंगी, मेरी क्षेत्र लिखा है तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। फिर इसके अंदर जो क्षेत्र, तो इसमें पश्चिमी तटवर्ती अलेक्जेंड्रिया द्वीप हमारा किसमें पड़ेगा, हमारा अलास्का में पड़ेगा। अलेक्जेंड्रिया द्वीप हमारा पहला पॉइंट हो गया। पश्चिमी तटवर्ती हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोग पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र करा रहे हैं। इस पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में हमारा पश्चिमी अलेक्जेंड्रिया द्वीप आएगा। पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, अलेक्जेंड्रिया द्वीप आता है जो हमारा किसमें पड़ता है, अलास्का में पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास नया एटलस है तो देखो एटलस ये है, तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये रहा हमारा अलेक्जेंड्रिया द्वीप, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये अलेक्जेंड्रिया द्वीप आ जाएगा। ऐसे आप लोग क्या है एटलस को साथ के साथ निकाल के चलिए। चार्ट आइसलैंड, यानी क्वींस चार्ट आइसलैंड, चार्ट आइसलैंड हमारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा कनाडा के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, कनाडा में। मैं साथ के साथ यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप एटलस में अपने आप सर्च करिएगा कनाडा में। थर्ड पॉइंट क्षेत्र। एक बार मैं तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया द्वीप अलास्का, क्वींस चार्ट आइलैंड हमारा कनाडा, वैंकूवर आइलैंड हमारा कनाडा, केप कैनेट्री कनाडा, कैलिफोर्निया का तट, ये सबको यहाँ पे कैलिफोर्निया का तट, ये हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे आते हैं पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आपको पश्चिमी तटवर्तीय हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में हमारा क्या क्या आ रहा है फटाफट बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कोस्ट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं और नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के प्रांतों के ऊपर जैसे जैसे प्रांत से निकलते हैं उस प्रांत के ऊपर इसके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे स्टूडेंटों को समझ में आ रही है, अगर आ रही है समझ में तो अच्छे से नोट डाउन करो और मैम को कमेंट्स करके जरूर बताओ। ठीक है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा का फिर से आप सुन लीजिएगा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा को नॉर्थ अमेरिका, पश्चिमी कॉर्डिलेरा को हम कोस्ट पर्वत श्रृंखला भी के नाम से भी जानते हैं और नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के प्रांतों के नाम इसके यानी कि प्रांतों से जो निकलती है तो उन प्रांतों के नामों के ऊपर इसके नाम रखे गए हैं और कैसे रखे गए हैं वो अभी आप देखिएगा। तो अभी आप देखिएगा फटाफट और मुझे पता से निकल लिए तो इसे अलास्का पर्वत श्रृंखला यानी कि अलास्का पर्वत श्रेणी आ गया। अलास्का से निकल लिया है तो अलास्का पर्वत श्रेणी आ गई। देखिए ये यहाँ से हमारा पश्चिमी कॉर्डिलेरा, यहाँ से देखो ये जा रहा है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया हमारा अलास्का पर्वत श्रृंखला यानी कि अलास्का माउंट, अलास्का में है तो अलास्का माउंट किसको, पश्चिमी कॉर्डिलेरा को। ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा की ही बात हो रही है, ये रहा हमारा पश्चिमी कॉर्डिलेरा, तो यहाँ से यहाँ तक इसे
क्या बोलेंगे, अलास्का पव श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहला क्या है, अलास्का सेकंड, अब देखो सेकंड में क्या है, ये यहाँ से सेकंड से अलास्का से, अब ये यहाँ पे इसने कनाडा में एंट्री मार ली है, ये रही हमारी कनाडा में, तो कनाडा में इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट रेंज, क्या नाम बोलते हैं इसे, कॉस्ट रेंज, क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट रेंज, यानी कि कॉस्ट माउंट स्टेनली, ठीक है। सेकंड क्या है, कनाडा में है, कनाडा में, कनाडा में है कॉस्ट माउंट स्टेनली, कनाडा में बोलेंगे, ये समझ में आ रहा है आपको। आप देखिए अब ये किस में आ गई है, अब ये यूएसए में आ गई है, ठीक है, अब ये यूएसए में आ गई है, तो यूएसए में कैस्केड माउंट श्रेणी, यूएसए में थर्ड पॉइंट आ गया, यूएसए में कैस्केड, कैस्केड माउंट श्रेणी, ठीक है, कैस्केड माउंट श्रेणी। अब फोर्थ है, उसके बाद हमारा क्या, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये देखो ये कैस्केड माउंट श्रेणी आ गई हमारी यहाँ पे, अब देखो ये कैलिफोर्निया में आ गई, कैलिफोर्निया में हमारा क्या, शेरा नवेदा, कैलिफोर्निया में हमारी आ गई, देखो ये कैलिफोर्निया में इसकी श्रेणी आ गई, ये थी कैलिफोर्निया में, ये कैलिफोर्निया में आ गई, तो क्या बोलेंगे, कैलिफोर्निया में शेरा नवेदा, शेरा नवेदा किसमें, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिको में, तो मैक्सिको में क्या बोलेंगे इसे हम, मैक्सिको में से बोलेंगे शेरा नवेदा पश्चिमी श्रेणी, मैक्सिको में क्या बोलेंगे, शेरा नवेदा पश्चिमी श्रेणी, इसमें बोलेंगे हम इसे मैक्सिको में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर अच्छे समझ में आ गई है तो आप इसे नोट डाउन करिएगा, और बहुत अच्छे से करिए क्योंकि क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा हमारे लिए है अलास्का पर्वत श्रृंखला, हमारी ये थी पश्चिमी है कॉर्डिलेरा, हमारे ये ना अलास्का में है तो अलास्का पर्वत श्रृंखला, कनाडा में है तो कॉस्ट माउंट श्रेणी, अगर हमारे यूएसए में आ गया है तो कैस्केड माउंट श्रेणी आ जाएगी, हमारा कैलिफोर्निया में आ गया है हमारा तो कैलिफोर्निया में सेरा नवेदा, और हमारा मैक्सिको में आने के बाद में, ये मैक्सिको में आने के बाद में हमारा क्या कहलाता है, सेरा नवेदा पश्चिमीय श्रेणी, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताओ थर्ड पॉइंट क्या बताया था फटाफट। थर्ड पॉइंट है अंतर पर्वतीय क्षेत्र, थर्ड हमारा क्या आएगा, अंतर पर्वतीय क्षेत्र, अंतः पर्वतीय क्षेत्र, थर्ड हमारा क्या आ रहा है, अंतः पर्वतीय क्षेत्र, अंतः पर्वतीय क्षेत्र में हमारा इसमें क्या आ रहा है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये है हमारा यूकेन प्लेटो, अगर हम प्लेटो प्लेटो की बात करते हैं तो यूकेन प्लेटो, सबसे पहले यूकेन प्लेटो, यूकेन प्लेटो यहाँ क्या हमारा, यूकेन प्लेटो आ गया हमारा यहाँ पे, अगर हम सेकंड कोलंबिया, ये रहा ये ब्रिटिश कोलंबियाई प्लेटो, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, ब्रिटिश कोलंबियाई प्लेटो आएगा सेकंड, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबियाई प्लेटो आ गया, ये रहा हमारा कहाँ पे, ये रहा हमारा ब्रिटिश कोलंबियाई प्लेटो। अगर हम थर्ड हमारा क्या है, कोलंबियाई स्नेक प्लेटो, कोलंबियाई स्नेक प्लेटो, कोलंबियाई स्नेक प्लेटो, कोलंबियाई स्नेक प्लेटो भी एक और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित पठार है या निर्मित प्लेटो है, ये इसका एक और रीजन हो गया, तो इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित प्लेटो,
कोलम के क्रियाओं के द्वारा निर्मित प्लेटो, ये हमारा क्या है, कोलम है, स्नैक प्लेटो। अगर हम इसकी अंतःपर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो प्लेटो सबसे पहले आएंगे यूकेन प्लेटो, हमारा यूकेन प्लेटो, इसमें हमारा अलास्का में पड़ गया। ब्रिटिश कोलंबियन प्लेटो, ये रहा हमारा कनाडा में ब्रिटिश कोलंबियन प्लेटो। कोलंबिया स्नैक प्लेटो, ये रहा हमारा कोलंबिया स्नैक प्लेटो, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित एक प्लेटो है। नोट डाउन करिए क्या आएगा हमारा, ये रहा हमारा ग्रेट बेसिन है, उसके बाद है ग्रेट बेसिन, ग्रेट प्लेटो और मैक्सिको प्लेटो, ग्रेट प्लेटो कोलोराडो और ग्रेट प्लेटो कोलोराडो प्लेटो और मैक्सिको, ठीक है। ग्रेट प्लेटो फिफ्थ है, सिक्स हमारा कौन सा आ रहा है इसमें, कोलोराडो प्लेटो। कोलोराडो प्लेटो सेवंथ हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिको प्लेटो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अंत है पर्वतीय क्षेत्र हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे, ये अंत पर्वतीय क्षेत्र हो गए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डेथ वैली ये हमारी किस में पड़ेगी, कैलिफोर्निया में। डेथ वैली हमारी किस में है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में हमारी डेथ वैली है, ये क्या है कैलिफोर्निया में, ये कैलिफोर्निया हमारे यूएसए का राज्य है, और ये क्या है ब्रंस घाटी भी है, ठीक है, यानी ये क्या है, ये कैलिफोर्निया है, किसमें है, यूएसए राज्य में है, और ये क्या है ब्रंस घाटी भी है, ठीक है। डेथ वैली हमारी ये रही कैलिफोर्निया में, एक पॉइंट हमारा इसमें ही हो गया। अब हमारा सॉल्टन सी क्या है, ये खारे पानी का क्षेत्र है, किसमें, कैलिफोर्निया राज्य में। सॉल्टन सी भी है खारे पानी का क्षेत्र है, किसमें, कैलिफोर्निया में, ठीक है। खारा पानी क्षेत्र किसमें, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में, ठीक है। खारे पानी का क्षेत्र किसमें हमारा, एक और है इसमें ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल है, ये हमारी किसमें है, ब्लैक हिल व्योमिंग राज्य में है, व्योमिंग राज्य में, ठीक है। अब इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी आगे वाली सीरीज में, इसके आगे हम लोग और आगे देखेंगे, इन पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं